नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनकी बेगम जान हसीन जहां के बीच विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। करीब दो महीने से मोहम्मद शमी और हसीन जहां के बीच ये विवाद अब इतना बढ़ चुका है कि अब जो है बिरादरी का की जो है दखल अंदाजी वो होनी ज़रूरी हो गई थी और बिरादरी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। आपको बता दें कि 7 मार्च 2018 को हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर कई संगीन आरोप लगाए जिसमें दुष्कर्म, बेवफाई और मैच फिक्सिंग जैसे आरोप संगीन थे। मैच फिक्सिंग विवाद में हालांकि बीसीसीआई ने शमी को क्लीन चिट दी और क्लीन चिट के बाद मोहम्मद शमी को आईपीएल में खेलने का मौका मिला। अब जब ये सारी चीज़ें जो हैं अब ख़त्म होने की ओर दिख रही थी तो उसके बाद हसीन जहां ने एक और स्टेप लिया और पहुंच गई मोहम्मद शमी के पैतृक आवास यानी कि सहसपुर अमरोहा और वहां पहुंचकर अपना और अपनी बच्ची बेबो का हक मांगा। ये अच्छी बात है कि आप एक औरत होने के नाते अपना और अपनी बच्ची का हक मांगती हैं और इस मामले में फिर तुर्क बिरादरी को बीच में आना पड़ा। इस मसले में तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ अली। काशिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काशिफ, सबसे पहले तो आपसे पूछते हैं कि जो तुर्क बिरादरी का जो डिसीजन था कि भाई शौहर और बेगम एक ही कमरे में बैठ के बात करें जो पुराने ढर्रे के हिसाब से है, क्या ये डिसीजन सही था? हाँ बिल्कुल, देखिए बिलाज जी, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि इस तरीके से पूरा विवाद शुरू हुआ और विवाद कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का मोड़ ले लिया और जिस तरीके से अब तुर्क बिरादरी बीच में आई है। देखिए वहाँ के अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो वहां पर तुर्क बिरादरी का ज्यादा वर्चस्व है। वहां पर तुर्क बिरादरी के काफी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपना एक रसूख वाले लोग हैं, तो उन लोगों ने एक पहल की है कि ये विवाद जो है जिससे क्षेत्र की बदनामी भी हो रही है और कहीं ना कहीं तुर्क बिरादरी भी इसमें चपेट में आ रही है, तो उन्होंने एक फैसला लिया कि भाई आप लोग एक बैठ कर कमरे में बात कीजिए और माहौल को बदलने की कोशिश कीजिए और हो सकता है कि एक बच्ची के जो छोटी सी एक बच्ची है उसको आप खातिर जो है वो एक हो जाए। तो ये मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि एक बेहतरीन फैसला था। बिल्कुल बेहतरीन फैसला तो था, और पर एक सवाल जो उठता है, तुर्क बिरादरी का डिसीजन बहुत अच्छा था और मोहम्मद शमी के लिए उन्होंने तारीख मुकर्रर की थी कि आप 14 मई को आए अपनी बेगम से बात करें और उसके बाद जो भी आप दोनों का डिसीजन होगा उन चीजों पर हम आते हैं। लेकिन जो मसला था, जो हसीन जहां ने जो इल्जाम लगाए मोहम्मद शमी पर, मैच फिक्सिंग का जो आरोप होता है वो कम आरोप नहीं होता है और एक खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि इसमें सारी जिंदगी लग जाती है अपने आप को सही साबित करने के लिए। हालांकि मोहम्मद शमी की किस्मत अच्छी थी, बीसीसीआई ने उन्हें क्लीन चिट दी, लेकिन क्या इन चीजों को की बिना पर क्या बिरादरी ये डिसीजन ले पाएगी कि भाई हसीन जहां की तरफ से ये पहले लड़ाई शुरू हुई है जो अमूमन अभी तक मीडिया में देखा गया है। बिल्कुल, और उसके बाद फिर मोहम्मद शमी ने जो है पहले तो वो कह रहे थे कि हम अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, लेकिन अब वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं इनके साथ कोर्ट में बात करूंगा, तो क्या बिरादरी इन चीजों को ताक पर रख के फैसला लेगी? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शुरुआत के दिनों हमने देखा कि किस तरीके से हसीन जहां लगातार आरोप पे आरोप लगाती जा रही थी और जिस तरीके से उनके कैरियर के साथ कहीं ना कहीं खेला गया है, तो ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा था कि आखिर मोहम्मद शमी के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या कोई साजिशन किया जा रहा है या कोई इसके पीछे की और वजह है। लेकिन जिस तरीके से अब तुर्क बिरादरी बीच में आई है तो मुझे लग रहा है कि तुर्क बिरादरी एक बड़ा फैसला ले सकती है और आने वाले वक्त में ये जो पूरी कॉन्ट्रोवर्सी है खत्म हो सकती है, क्योंकि तुर्क बिरादरी का बीच में आ जाना अभिलाष जी मैं समझता हूँ कि अब इस मसले का हल निकल कर ही रहेगा, क्योंकि तुर्क बिरादरी का वहाँ पर जो वर्चस्व है वो लगातार तुर्क बिरादरी के लोग मोहम्मद शमी के परिवार से मिल रहे हैं और वो मामले की हर एक बात की पड़ताल कर रहे हैं कि आप इसको मामले को जल्द से जल्द खत्म कीजिए, क्योंकि वो क्षेत्र जो है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है जो तुर्क बिरादरी के लिए ठीक नहीं है। देखिए एक बात और हम आपको बता दें कि जब मार्च में 7 मार्च को जब इल्जाम लगाए थे हसीन जहां ने, तो हसीन जहां की तरफ से कई ऐसे लोग थे जिन्होंने मोहम्मद शमी के खिलाफ कई ऐसे बयान दिए। हसीन जहां के पहले पति की तो बच्चियां थीं, उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमी का बिहेवियर हमारे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन जो हसीन जहां कर रही हैं कहीं ना कहीं वो सही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बयान मैंने नहीं देखा है सिवाय सिर्फ मोहम्मद शमी के फूफा जी को अगर छोड़ दिया जाए, तो अभी तक मुझे ऐसा कोई बयान नहीं मिला जो बिरादरी की तरफ से आया हो या सरपंच या प्रधान की तरफ से आया हो कि मोहम्मद शमी या हसीन जहां को गलत ठहराया गया हो। और उसके बाद अब जब ये मसला वहां अब तक पहुंच चुका है, उस जगह तक पहुंच चुका है, तो क्या और उसके बाद भी जब हसीन जहां वहां पर पहुंची तो हसीन जहां की बात सुनकर ही मोहम्मद शमी के घर पहुंचे क्योंकि ताला तो खुल
खुलता नहीं, क्योंकि पैतृक आवास है, पुलिस भी इस ताले को नहीं खुलवा सकती थी। बिरादरी आई बीच में, बिरादरी ने हसीन जहां को सपोर्ट किया। तो क्या इसे हम ये माने कि बिरादरी ने बहुत समझदारी वाला स्टेप उठाया है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो छुपा है? नहीं देखिए, मैं तो इसको समझदारी वाला स्टेप मानूंगा अभिलाष जी, क्योंकि देखिए तुर्क बिरादरी जिस तरीके से वहां पर काम कर रही है, जिस तरीके से इन दो परिवारों को मिलाने की कोशिश कर रही है, कोशिश की जा रही है कि देखिए एक आपकी एक मासूम बच्ची है, आप उसके कहीं ना कहीं उसकी आप रखें और दोनों एक हो जाएं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से तुर्क बिरादरी का बीच में आई है, और देखिए सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि देखिए शुरुआत के दिनों से अगर हम देखें अभिलाष जी, शुरू से दिनों से तो हसीन जहां लगातार जो है शमी को घेर रही थी, लेकिन मोहम्मद शमी पर आरोप तो लगा रही थी लेकिन आरोप सिद्ध नहीं कर पा रही थी। कोई भी आरोप आप देख लें शुरुआत से दिनों ने, फिर उसके बाद बीसीसीआई ने फिर लगातार उनको आईपीएल में भी खेलने दिया, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं शमी के पक्ष में जा रही थी। और अब तुर्क बिरादरी जो बीच में आई है वो भी देखिए दोनों पक्षों को सुन रही है। ऐसा नहीं है कि हम मोहम्मद शमी को भी सही कह सकते हैं या हसीन जहां को, हसीन जहां भी की भी बात सुनी जा रही है और मोहम्मद शमी की बात सुनकर ही कोई फैसला तुर्क बिरादरी लेगी। बिल्कुल, अब एक सवाल और उठता है। चलिए हसीन जहां जो है वो मीडिया के सामने थोड़ी बहुत तो हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं एक पब्लिसिटी स्टंट जो है वो बिल्कुल में आ रहा है, लेकिन मोहम्मद शमी ये गलत नहीं थे जब इन पर इस तरह के इल्जाम लगे थे, तो ये चैनल हर चैनल में जाकर इन्होंने खुद इंटरव्यू दिया है, ये बात भी हम सभी जानते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर आप टीम में सिलेक्ट हो गए, अफगानिस्तान टेस्ट मैच आपको खेलना है, तो और साफ तौर पर अगर अफगानिस्तान टेस्ट में अगर मोहम्मद शमी परफॉर्म नहीं करते हैं तो साफ तौर पर इंडियन टीम से जो है वो आउट हो जाएंगे। 12 मई को आप मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते हैं और 14 मई को आपको हाजिर होने के लिए कहा गया था बिरादरी की तरफ से, और आप वहां नहीं पहुंचते, और उसके ठीक 3 दिन बाद आप मुरादाबाद पहुंचते हैं अपने सगे संबंधियों से मिलने। तो क्या ये डिसरिस्पेक्ट है बिरादरी की, या फिर हो सकता है कि कुछ अलग बात रही हो? नहीं देखिए, बिल्कुल मैं तो इस चीज में कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी को थोड़ा सा गलत मानूंगा कि जब देखिए जब आपकी बिरादरी, जब तुर्क बिरादरी जब बीच में आ गई है, जब वो फैसले को मामले का हल निकालने की कोशिश कर रही है, तो आपको उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, आपको ना कि उनसे भागना चाहिए। आप अजमेर जा रहे हैं, अजमेर जाने के बाद जब आपसे कहा जाता है कि आप 14 तारीख में हाजिर होइए, तो आप हाजिर ना होने के बजाय 3 दिन के बाद आप मुरादाबाद पहुंचते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है कि क्या मोहम्मद शमी खुद चाहते हैं कि वो सुर्खियों में बने रहे? अरे जब आपके लिए एक मौका दिया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आप आके मामले का हल निकालिए, बैठिए बात कीजिए, तो आप मामले का हल क्यों नहीं निकाल रहे? तो ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल। अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिस तरह से मोहम्मद शमी ने बिरादरी की बात को तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि नजरअंदाज किया है। जब हसीन जहां अमरोहा गई थी, हसीन जहां ने एक बयान और दिया कि मोहम्मद शमी ने मीडिया को बेवकूफ बनाया है और जो वो कह रही हैं वो सच है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो मीडिया 24 घंटे फॉलो कर रही है, हर सुर्खियां हर खबर पर अपनी पैनी नजर गड़ाती है, तो क्या उस मीडिया, क्या वो मीडिया को बेवकूफ बना सकते हैं मोहम्मद शमी? क्योंकि इस तरह की चीजें जो सामने आ रही हैं, मोहम्मद शमी की तरफ से भी अब ये बयान आ रहा है कि मुझे मीडिया के सामने कुछ नहीं कहना। सबसे बड़ी बात तो ये थी काशिफ भाई कि मीडिया आपके पास नहीं गई थी, पहले हसीन जहां ने इल्जाम लगाए, उसके बाद मोहम्मद शमी को अपनी सफाई पेश करनी थी, मोहम्मद शमी सामने आए। जब ये मसला इंडियन क्रिकेट पर आया, क्योंकि हसीन जहां ने साफ तौर पर ये कहा था कि शमी के साथ कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनका नाम शामिल हो सकता है, तो अब इस तरह का बयान देना क्या आपको नहीं लगता कि गलत है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं अभिलाष जी कि ये वाला जो बयान दिया गया था कि कई खिलाड़ी जो हैं उसमें मुलव्विस हैं, मतलब उसमें शामिल हैं, यानी ये चीज देखिए उनकी मजबूरी थी हसीन जहां की, क्योंकि अगर वो मैच फिक्सिंग का चीज नहीं लेती या और खिलाड़ियों का नाम नहीं लेती तो मीडिया उनकी बात को तरजीह नहीं देती। बिल्कुल, वो जाति मामले को, निजी मामले को मीडिया इतनी तरजीह नहीं देती। लेकिन जब आप आरोप लगा रही हैं कि मोहम्मद शमी के और लड़कियों के साथ संबंध है और मैच फिक्सिंग में भी नाम तक ला दिया गया, तो फिर मीडिया का फोकस हुआ कि कैसे या हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी हो सकता है कि संलिप्त हो, लेकिन बहरहाल ऐसे मामले में बीसीसीआई ने या किसी ने भी उनको नहीं पाया। तो ऐसे में हसीन जहां भी शुरुआत के दिनों से लगातार अपने आप को सुर्खियों में बटोरने के लिए, और मीडिया का काम ये नहीं है कि मीडिया उनके पास जा रही है, वो खुद इस तरीके की चीजें कर रही है कि मीडिया को मजबूरी उनको फॉलो करना पड़ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट तो आ ही जाता है। लेकिन आखिरी सवाल काशिफ भाई, रमजान का पाक महीना चल रहा है और ईद आने वाली है, मोहम्मद शमी ने अफगानिस्तान टेस्ट उनको खेलना है 14 जून से, उन्होंने कहा कि मैं जो भी फैसला लूंगा वो ईद के बाद लूंगा, तो आपके मुताबिक क्या बिरादरी एक बार और मौका देगी? क्योंकि आप उस क्षेत्र से थोड़ा सा वाकिफ भी हैं, आपको बता दें कि काशिफ भाई खुद मुरादाबाद के रहने वाले हैं, तो क्या बिरादरी एक मौका और देगी मोहम्मद शमी को, या फिर ये मसला जो है यहाँ पर खत्म हो जाएगा? नहीं देखिए, बिरादरी तो पूरी कोशिश करेगी कि
देखिए जल्द से जल्द इस मसले का हल निकले, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कोई भी क्षेत्र हो वो ज्यादा दिनों तक सुर्खियों में रहता है, वो ठीक नहीं रहता है। तो वहां के जो रसूख वाले लोग होते हैं तो वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि इस मामले का वहीं खत्म किया जाए और आप बात के बैठिए। और मुझे लगता है कि अगर मोहम्मद शमी और हसीन जहां अपनी मासूम बच्ची की तरफ देखते हुए ईद का मौका है, रमजान का मौका है, मामले को बैठ के ईद से पहले हल निकाल लेते ताकि ईद की खुशियां दोनों सब साथ मिलकर मनाते। बिल्कुल जैसा काशिप भाई का कहना है और हम सभी चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि इस रमजान के पाक महीने को के खत्म होने के बाद जब ईद आएगी तो शायद मोहम्मद शमी और हसीन जहां सभी अपने गिले शिकवे भुलाकर उस बच्ची के बारे में सोचकर शायद एक हो जाएं। तो फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। काशिप भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। मोहम्मद शमी और हसीन जहां को लेकर तमाम अपडेट्स और तमाम जानकारी के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे आपके सामने, लेकिन फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत। हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट माइंड स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।